तो सारे भैया ने भाई मेरी राम राम। हमारे साथ है जीडी विद्यार्थी जी जो हरियाणा साहित्य अकादमी के डायरेक्टर हैं। सर नमस्कार, प्रणाम, जय हिंद। नमस्कार जी, प्रणाम जी। सर कैसे हैं आप? स्वागत है आपका जी, बढ़िया। बहुत बहुत शुक्रिया सर। अभी तक मेरे ख्याल से किसी ने पॉलिटिकल इंटरव्यू तो आपका नहीं किया होगा। नहीं, क्योंकि मैं शिक्षा से जुड़ा रहा हूँ, शिक्षा से और सोशल वर्क से, उसी पर ज़्यादा इंटरव्यू हुए जी। और बहुत सारी बातें आपकी जो पॉलिटिक वैसे तो हुई लेकिन इंटरव्यू में नहीं हो पाई, और बहुत सारी बातें मैं आपसे आज जानना चाहूँगा, क्योंकि आप माहौल को देखते भी हैं, समझते भी हैं। जब डेली 5000 बच्चे आपके स्कूल में आते हैं तो वो माहौल भी आप समझते हैं, लोगों के बीच में क्या चल रहा है वो भी आप बखूबी समझते हैं। तो मैं ये जानना चाहूँगा आज पॉलिटिकल इंटरव्यू कि हरियाणा में जो तीसरी बार भाजपा आई है इसका मुख्य कारण क्या था, जबकि मोस्टली मीडिया ये कह रही थी कि कांग्रेस आएगी, हुडा साहब आएंगे और खट्टर साहब फ्लोप हो चुके हैं, नायब सैनी उभरते हुए चेहरा है लेकिन डेढ़ साल पहले आ जाते तो शायद तीसरी बार भाजपा आ सकती थी, अब हुडा सरकार आएगी। आपने क्या माहौल देखा? देखो, समझदार जो लोग हैं, जो एनालिसिस्ट हैं जी, उन्हें तो पहले ये दिखाई देता था, क्योंकि दोनों पार्टियों में एक मूलभूत अंतर है। कांग्रेस है नेताओं की पार्टी और बीजेपी है कार्यकर्ताओं की पार्टी। तो नेता लोग ऊपर खड़े होकर माहौल बना सकते हैं, कार्यकर्ता तो आधार पर रहते हैं ना, तो जो धरातल पर रहते हैं कार्यकर्ता, वही माहौल चाहे कैसा भी हो, असली काम तो वही करते हैं जो भी कुछ करते हैं। कांग्रेस में कार्यकर्ता तो गिने चुने हैं, उसका संगठन भी नहीं है, ना जिला स्तर पर ना किसी और स्तर पर, तो उसकी जो हवा थी वो ऊपरी ऊपरी हवा थी, ऊपर ऊपर में, और आम जनता तो ऐसे ही देख रही थी जैसे फिल्म देखते हैं जी, ये हो क्या रहा है, बस वो अपने आप ही नेताओं की भीड़ इधर से उधर, और कुछ जो पेशेवर राजनीतिक लोग होते हैं ना जी, वो इधर से उधर कलाबाजियां खा रहे थे और जनता तमाशा देख रही थी। जनता के भी समझ में नहीं आ रहा था ये हो क्या रहा, क्योंकि सर्कस में एक तरह तो नजर सी बंद जाती है ना, ये जी तमाशा हो रहा है। लेकिन जो जनता के बीच में कार्यकर्ता बैठे हुए थे, वो कार्यकर्ता जनता की नब्ज पर हाथ रखे हुए थे। अब इलेक्शन होता है वोटों से, वोट कौन कैच कर सकता है? कांग्रेस ने बड़ी बड़ी रैलियां की, बड़े बड़े उनके काफ़ी रोड शो भी हुए, बीजेपी के इतने प्रभावशाली रोड शो नहीं हुए या उतनी मोदी साहब की रैलियां कम थी, रैलियां नहीं हुई जी। लेकिन उनके कार्यकर्ताओं की पहुंच हर वोटर तक थी, और मैंने इलेक्शन के दिन भी ये देखा कई जगह तो एजेंट ही नहीं थे कांग्रेस के, अब वोट कौन डलवाएगा? और तो वोट डलने का डलवाने का जो काम है वो बीजेपी वालों ने बड़ी सफलतापूर्वक किया। संघ, बीजेपी का मतलब संघ माने संघ जो इनके पन्ना प्रमुख हैं उन्होंने, पन्ना प्रमुख और संघ के कार्यकर्ताओं की भूमिका उसमें महत्वपूर्ण रही। हर आदमी जितने भी थे, चाहे वो किसी भी संघ की बहुत सारी शाखाएं हैं जी, उन शाखाओं से जुड़े हुए जितने भी व्यक्ति थे, चाहे उनकी आस्था कम थी या ज़्यादा थी, लेकिन वो जुड़े हुए थे, वो इधर उधर हो सकते थे, इसमें कोई दो राय नहीं। लेकिन जो इन्होंने अपनी धरातल पर रह करके जो वो बनाई एक कार्यशैली और एक रोड मैप तैयार किया, वो कार्यकर्ताओं के द्वारा तैयार किया गया, नेताओं के द्वारा नहीं था कि नेता ही उसमें चलेंगे जो भी कुछ है। नेता का तो क्वेश्चन बाद में था कि कोई भी नेता बन जाए, उसमें कोई वो दिक्कत नहीं थी। वहाँ ग्रुप थे, ये ग्रुप का चीफ मिनिस्टर होना चाहिए, ये का होना चाहिए, ये का होना चाहिए, इस सवाल ने भी जनता को बड़ा भ्रमित किया। इधर नायब सिंह सैनी थे, और आपने देखा होगा कि नायब सिंह सैनी भले ही नए मुख्यमंत्री बने, तजुर्बा कम हो लेकिन उनका कॉन्फिडेंस अद्वितीय था। मेरे ख्याल में मैंने ये देखा कि बीजेपी के कार्यकर्ता कई जगह मायूस थे, लेकिन जहां नायब सिंह सैनी की एक भी स्पीच, एक भी चाहे सामने कितने ही लोग हों, उनका भाषण बड़ा जोशीला होता था, बस ये आ गए, और खुश मिजाज भी था, स्माइलिंग फेस था, स्माइलिंग फेस तो उनका है ही है, तो उससे वो कभी तनाव में नहीं आपको नजर आते कि तनाव में है, या कोई आज भी वो मुख्यमंत्री बनने के बाद ऐसा नहीं लगता कि बड़े तनाव में और बड़ा प्रदेश का भार उठाए हुए हैं। वो तो उनकी जो मंद मंद मुस्कान है ना जी, वो तो फिदा करने वाली है जी, और वो हर आदमी को अट्रैक्ट करते हैं अपनी तरफ। कुछ तो परमात्मा की देन है कि उनका व्यक्तित्व बड़ा विशाल है, उसमें फिर बातचीत का लहजा बड़ा नरम है, हर आदमी से मिलते हैं। लेकिन इलेक्शन के दौरान सबसे ज़्यादा आत्मविश्वासी अगर कोई व्यक्ति था वो नायब सिंह सैनी था, और उनका वो आत्मविश्वास ही लोगों में, कई बार तो मैंने देखा भीड़ में जब वो भाषण देते थे लोग ये कहते थे लो ये किस दुनिया में बोल रहा है, क्योंकि ऐसा तो लगे अचरज मान देते, हाँ हाँ, ये तो अपना बोलने की बात है बोल रहा है। लेकिन उनके उस पर कहीं कोई कमी नहीं आई,
वो आखिरी टाइम तक उसी तरह से, मतलब लोग लास्ट में कंफ्यूज हो जाते थे, अरे ये कहीं क्या, इसको पता है जीतेंगे लास्ट में, तो लोग ये भी कहने लग गए थे कि भाई इसका कुछ ना कुछ है ऐसा जिससे ये इतना कॉन्फिडेंस बोल रहा है। तो ये चीज़ जो थी, संगठन और कार्यकर्ताओं का परिश्रम और नेताओं की मारामारी ना होना, ये बीजेपी के पक्ष में थी। और इसके उलट सारी बातें जो थी वो, अब तो दोस्त तो चाहे हुड्डा साहब को दे लो या किसी को भी दे लो, लेकिन जहाँ जड़ी नहीं थी वहाँ फलों पर और फूलों पर क्या आप कसूर निकालेंगे, क्या आरोप लगाएंगे। ठीक बात है, वो तो वैसे गलत फहमी हो गई। और एक और दूसरा इसमें जो बात रही जी, कि एक जाति विशेष का प्रचार हो गया, वो हालांकि वोट में नहीं दिखाई दिया वो जाति विशेष का प्रभाव ऐसा, लेकिन प्रचार ऐसा हुआ कि जैसे पता नहीं कोई क्या होगा, किस तरह से होगा, और उससे जो दूसरी जातियां थी वो असुरक्षा में आ गई, डर गई कि भाई ये पता नहीं क्या होना है, पता नहीं क्या होना है, तो ये भी उसके अंगेंस्ट गया। और फिर ये जो लास्ट में आ गया नौकरियों वाला मुद्दा, नीरज शर्मा का बयान आ गया, 50 वोट पे एक नौकरी, ये गोगी साहब का बयान आ गया, इसको तो कोई चाहे पढ़ा लिखा आदमी हो, देखो बेईमान आदमी भी चाहे जिस रिश्वतखोर भी है, रिश्वतखोर आदमी भी या शराबी है, जैसे आप किसी शराबी से भी, वो रोज शराब पीता है लेकिन वो कभी भी ये नहीं कहेगा भाई शराब बड़ी अच्छी चीज़ है सबको पीनी चाहिए, वो चाहे हर रोज पीता हो, रिश्वत लेने वाला आदमी भी ये कहेगा कि रिश्वत बुरी चीज़ है, नहीं लेनी चाहिए। बल्कि एक मैं छोटी सी एक उदाहरण आपको, एक घटना बता दूं जी। एक बार हम कहीं गए हुए थे, मेरे साथ एक मेरे मित्र और थे, वो होटल में गए, तो सरकारी वो था प्रोग्राम जी, सरकार की तरफ से हमें होटल अलाउड था। तो वो जो मेरे जूनियर थे, मैं सीनियर होने के कारण पीछे बैठा हुआ था, वो रिसेप्शन पर बैठ के और रिसेप्शन पर बात करने लगा जी। तो काफ़ी टाइम हो गया, तो मैंने कहा ऐसी क्या बात हो गई भाई, क्या बहस चल रही है। तो वो कहता मेरा आदमी कि देखो जी, ईमानदारी का तो जमाना ही नहीं रहा, बेईमानी इतनी हो गई सब जगह। मैंने कहा क्या हुआ, बोला हुआ क्या जी, मैं इसको ये कह रहा हूँ भाई तू दो कमरे हमारे कर दे दो दिन के लिए, 4,000 का कमरा है तो 8,000 के दो दिन के बिल बना दे, और तू 500 रुपए ले ले। बोले ये कह रहा मैं 50% लेऊंगा, देखो बोले ईमानदारी तो कहीं बची ही नहीं है। खुद भी बात कर रहा। मैंने कहा यार तू बड़ी ईमानदारी की बात कर रहा है। मतलब बेईमान आदमी भी कभी बेईमानी पसंद नहीं करता, हालांकि वो रोज बेईमानी करता है। तो ये जो स्लोगन था, चाहे लोग पैसे दे के नौकरी ले रहे हों, लेकिन उन्हें भी ये बात पसंद नहीं आई, दूसरों को तो आनी क्यों थी, आनी क्यों थी। तो ये बात इसका भी यही है, क्योंकि मैं समझता हूँ कांग्रेस की सेंट्रल लेवल पर कोई ऐसी नीति नहीं बन पाई। ये भी एक मौके पर एक आदमी ने बात कहनी शुरू कर दी तो सब ने उसी को अपना लिया कि शायद यही हो। और क्योंकि वो माहौल ऐसा था, कहीं उसका कुप्रभाव नहीं दिखाई दिया, उससे लोग उत्साहित हुए कि किसी ने इसकी आलोचना तो की नहीं बात की जी। लेकिन जो धरातल पर आम आदमी था उसको तो बिल्कुल नहीं पसंद आनी थी, भाई हम तो फिर कहाँ जाएंगे, हमारा तो कोई है ही नहीं। तो ये सारी बातें मिला के कांग्रेस के विरुद्ध गई और बीजेपी के फेवर में गई। अच्छा, बहुत सारे लोगों का ये भी कहना था कि खट्टर साहब हट गए तो भाजपा के लिए सही हुआ, हालांकि खट्टर साहब एक बड़े राजनीतिक आदमी, बड़े चाणक्य हैं। आपका क्या कहना है खट्टर साहब को लेकर? इस समय हरियाणा में तो कम से कम मैं समझता हूँ खट्टर साहब जैसा कोई राजनीतिज्ञ है नहीं। जो तीन लाल हुए हैं, उसके बाद हुड्डा साहब हुए हैं, चौथे हमारे 9.5 साल तक उन्होंने राज किया जी, वो नॉन कंट्रोवर्शियल था जी, कोई उनके खिलाफ खड़ा नहीं हुआ। हाँ, ये हवा फैलती रही कि भाई ये जी प्रशासनिक अनुभव नहीं है, कमजोर मुख्यमंत्री हैं, ये एक बीच में एक लहर सी चलती रही, नैरेटिव सेट किया जा रहा था जी। और ये नैरेटिव के सेट के कारण ही मैं समझता हूँ कि बीजेपी ने उनको लास्ट में हटा लिया, हालांकि कोई करप्शन का चार्ज नहीं था, किसी किस्म का कोई चार्ज उनके कोई आरोप नहीं था जी। 9.5 साल तक मुख्यमंत्री रहते हुए किसी तरह का भी कोई दाग ना लगे, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और उनके ऊपर किसी भी तरह का भी नहीं है, किसी भी तरह का, ये बहुत बड़ी बात है। वो मैं तो ये कह सकता हूँ कि राजनीति के धवल हंस हैं, वो राजनीति में रहते हुए भी उन्होंने, और फिर जो नीति चलाई उन्होंने, चाहे मुख्यमंत्री के रूप में भी नीति चलाई, लोग समझे या ना समझे, लेकिन किसी भी पॉइंट पर उनकी नीति फेल नहीं हुई। पोर्टल की बात लोग ज़्यादातर करते हैं, पोर्टल तो जैसे कहते हैं ना कि
21वीं सदी से 22वीं सदी में ले जाने वाली बात थी। और हरियाणा जैसे प्रदेश में जो कृषि प्रधान प्रदेश है, वहाँ पोर्टल की बात करना एक अपने आप में बड़ी अजीब बात थी। ये ठीक है कि पोर्टल की ट्रेनिंग लोगों गलत को नहीं हुई थी जी। और जिनका उत्तरदायित्व बनता था ऑफिसर लोग, वो भी क्योंकि नई चीज़ थी, नई चीज़ को समझने में टाइम लगता। लेकिन जो आप देखो ना कि पोर्टल ने एकदम से न्याय संगत प्रणाली स्थापित कर दी और लोगों ने उसे महसूस भी किया, तभी तो लोगों ने वोट दिए ना उसको। आज हम ये नहीं कह सकते कि पोर्टल प्रणाली गलत सिद्ध हुई, वो तो ठीक सिद्ध हुई, तो आम आदमी को पसंद आई, वो चलाना आए या ना आए वो एक अलग बात है। लेकिन उसका कोई ये नहीं था जी इससे हमारा नुकसान हो गया, व्यक्तिगत मर गए हम, ये हो गया। तो ये भी, और इसके अलावा देखो MP के चुनाव में भी मैं उनके वहाँ भी गया इलेक्शन के दौरान, आप भी मिले थे मुझे नीलोखेड़ी जी, जी जी। तो उनका रोड शो था जी, रोड शो इतना प्रभावशाली नहीं था, नहीं था। और नीलोखेड़ी में मैं 2-3 दिन रहा, वहाँ लोग मतलब ऐसा नहीं था कि जी खट्टर साहब भारी बहुमत से जीतेंगे, लेकिन फिर भी ये था कि खट्टर साहब कोई मतलब ऐसा रास्ता ज़रूर निकालेंगे कि भाई ये जीत जाएं, और वो सबसे ज़्यादा वोटों से जीते। उसके बाद जो MLA के टिकट भी बांटे, खट्टर साहब के ही ज़्यादा टिकट ऐसा लगता है उनके द्वारा बांटे गए। पार्टी का वैसे तो माननीय नरेंद्र मोदी जी के जितने एक्सपेरिमेंट होते हैं वो हटके होते हैं, सारे एक्सपेरिमेंट मोस्टली कामयाबी होते हैं और हटके होते हैं, और लोग उसमें ये सोचते रह जाते हैं कि ऐसा कैसे होगा, ऐसा कैसे होगा, लेकिन आज तक कोई एक्सपेरिमेंट उनका फेल नहीं हुआ जी। हरियाणा में भी जो प्रयोग किया गया, बहुत सारे नए लोगों को टिकट दिए गए और ये लगता था कि ये कैसे जीत पाएंगे, लेकिन जीत गए सबके सामने जी। क्योंकि उन्होंने एक एक चीज़ को, लोग चाहे कहाँ हवा में रहे क्या रहे, लेकिन धरातल पर उन्होंने एक एक चीज़ का जोड़ तोड़ बिठाया, चाहे वो जातियों का था, चाहे वो क्षेत्र का था, चाहे वो धर्म का था, किसी भी तरीके से एक एक और फिर कैंडिडेट को दिया। नए कैंडिडेट आए लोगों के सामने, आप उसकी आलोचना तो कर ही नहीं सकते थे, मतलब पुराना होगा ना कुछ तो आप कहेंगे उसके बारे में जी। जो नए थे तो नए जैसे आए तो उसके बारे में क्या था, तो लोग वोट, और मैंने देखा वोट भी लोगों का, लोग वहाँ तक आए, बूथ तक आए, कहीं तो जैसे सोच के आए घर से जी कांग्रेस का वोट देंगे जी। लेकिन आते आते ना तो उन्हें कोई वहाँ आगे मिला ना कोई पीछे मिला, और फिर के जी बाहर निकल के उन्होंने कहा मैं तो BJP को वोट दिया है। जब अंदर जा कर के उसको लगा कि ये सारा कुछ ठीक ठाक है, चलो फिर BJP को ही देनी है, देश हित, BJP, ये सब कुछ। तो और ये तो एक बिल्कुल तय बात है कि देश की बात करना, धर्म की बात करना, परोपकार की बात करना, कल्याण की बात करना, सबके कल्याण की बात करना, सबके विकास की बात करना, ये तो BJP ने ही सिखाया है जी। उससे पहले तो जो हम सेकुलरिज्म के नाम पर जो हम थे कि जी बाकी तो उसमें दूसरे कोई धर्म संप्रदाय उनका तो कोई जिक्र होता ही नहीं था, हिंदुओं का तो खास तौर पर जी। हिंदू समाज एक ऐसा समाज है जिसमें आज भी बड़ी जागरूकता की ज़रूरत है। उन्हें बेचारों को यही समझ नहीं आता कि हमारे जो देवी देवता है जी, उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया जाए। कहीं तो देवी देवताओं के स्वांग करके सड़क पर भीख मंगवा देते हैं, उनसे भीख मांगते फिरते हैं। एक तरफ तो वो इतना विशाल कथाएं हम सुनते हैं, उनकी महिमा गाई जाती है, एक तरफ उससे भीख मंगवाते हैं। ये तो कानूनन बंद होना चाहिए, ये एक तरह से मजाक है उन हमारे देवी देवताओं के प्रति। उनको नाच करवाना ये भी कोई अच्छी परंपरा नहीं है कि सब लोग बैठ के तमाशा देखें। वो सब महापुरुष जो हैं, ये मुगलों के टाइम में ये रीतियाँ पैदा हुई, वो हमारे महापुरुषों को एक तरह से छोटा दिखाने के लिए कई तरह के उन्होंने साहित्यिक रूप से भी और बोलने के रूप में भी कई ऐसी बातें कर दी। लेकिन BJP के राज में उसमें RSS कह लीजिए आप, RSS मूल तत्व है जिसने हिंदुत्व की पहचान करवाई और हिंदुओं के जो महापुरुष हुए उनको लाइट में लाने का प्रयास किया। और यही चीज़ BJP को भी कहीं ना कहीं कि आम आदमी जो है ना कि जब वोट देने की बात है वे भगवान को मुँह दिखाना है तो फिर उसी के पास जाएं जिस पर कोई दाग धब्बा ना हो, उसमें फिर BJP आती थी चुवाए सुन की। तो धर्म के आधार पर भी, जाति के आधार पर भी, और एक मतलब निष्पक्षता के आधार पर, तो लोगों को लगा कि BJP उनके ज़्यादा निकट है, घर की पार्टी सी लगी BJP उनको। तो मेरा कहने का मतलब सिर्फ ये है कि माननीय मुख्यमंत्री जी का जो एटीट्यूड है जी, वो ये नहीं है कि जीत गए जी बस चलो अब अपना नशे में गुम हो जाएं। एकदम से उन्होंने पहले दिन से जैसे नौकरियां देने की बात थी जी, नौकरियों की बात, और हर प्रोजेक्ट को उन्होंने टच किया है कि भाई ये जो है शुरू करो, ये काम भी करो, ये काम भी करो।
तो हमारा भी उसी में था, हमारे यहाँ अकादमी में जैसे पंजाबी अकादमी है या और हैं, उनके पुरस्कार पेंडिंग थे, अब सब दिए जा रहे हैं, उन्होंने सब पुरस्कारों को दिया जाए। तो हर काम जो पेंडिंग जहाँ पर है, जब वो काम होंगे और इस रफ्तार से होंगे, तो निश्चित रूप से 10-20 साल तो फिर बीजेपी कहीं जाने वाली नहीं है। क्योंकि काम तो ये जो ट्रेंड था कि जी इनकम्बेंसी हो जाती है, बार बार वही चेहरे, वो बीजेपी ने फेल कर दिया, वो फेल कर दिया। तो अब तो कोई काम की बात है और फिलहाल सामने कुछ है नहीं, विपक्ष खत्म हो चुका। हाँ, लगभग लगभग वो तो भले ही उनके MLA इतने हों जी, लेकिन फिर भी वहाँ ना कोई, अभी तक तो कोई, मुझे नहीं लगता कि आने वाले भविष्य में जल्दी ही कोई उनका सामना कर पाएगा या कुछ कर पाएगा। तो अभी तो जो है लोग भी मौज में है और बीजेपी भी मौज में है, तो सब मजे ही मजे में है, और इसलिए आशावान है लोग के ये भी होगा वो भी होगा और उम्मीद करते हैं काम होंगे सभी। हाँ हाँ जी, बहुत बहुत शुक्रिया सर आपका, धन्यवाद, बहुत बहुत शुक्रिया। तो भाई ये हमारे विद्यार्थी जी, DD विद्यार्थी जी, और इतनी लंबी बातचीत और भाजपा का कम बैक और एंटी इनकमेंसी ना दिखाई देना, ये है मनोहर लाल खट्टर साहब की रणनीति, नायब सिंह सैनी की रणनीति और हमारे नरेंद्र मोदी जी की। हालांकि धर्मेंद्र प्रधान जी हैं, अमित शाह जी हैं, चाणक्य तो घर हैं। फिलहाल ये वीडियो आपने किसी लगी कमेंट बॉक्स में अपनी राय दे, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, भारत माता की जय। थैंक यू भाई।